ऑल आर फिट? यस सर। हिट हो? यस सर। रेडी हो? यस सर। ठीक है, गुड। बोलो, आई एम द चैंपियन। आई एम अ चैंपियन। आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। गॉड इज विद मी। गॉड इज विद मी। आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। बताओ भैया थोड़ा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, अपने बारे में बताओ कि भाई किस तरह से कैसा, मतलब थोड़ा अपने सफर के बारे में। जैसे स्टार्टिंग में कोई भी काम शुरू करे ना, थोड़ा मुश्किल तो होगा, स्टार्टिंग करना सबसे थोड़ा कुछ होते हुए कदे यो काम होगा या नहीं होगा, वो या नहीं थोड़ा शुरुआत करने से पहले तो थोड़ा एक्साइट होएगी, लेकिन उसके बाद आप करने लग जाएंगे फिर थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा उस चीज़ में। इंटरेस्ट लेने से बढ़ता है, वैसे तो किसी ने भी नहीं आता कोई काम शुरू में, तो पैदल चलना भी नहीं आता, वो भी अंगली पकड़ के सीखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही बॉक्सिंग भी शुरू करी ना, तो कोच जैसे बतावे है उस पर विश्वास करोगे ना, अगर कोच जो बताओ वो सही होता हो, अगर आप करते करते नहीं सोचेंगे ना इसने के बिरा, हाँ इसने के बिरा, तो कुछ भी नहीं आओ। इंटरेस्ट लोगे ना इसकी बात में, जैसे बताओ हाँ जी हाँ जी चलूगा, देखो पूरे भी करना था वो भी काम करना है, वो भी सारे सारे बल्ले में हो, ठीक है। तो और जो स्टार्टिंग में सीखोगे ना, आराम आराम तक करना सीखे, न्यू पंचमाना सीखे, तो वो वही हैबिट बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसा सीखोगे वैसा ही चलेगा तुम्हारा, बेसिक सबसे मेन होता है बॉक्सिंग में, बेसिक पर जितना ध्यान दोगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आगे आएगी। मेन होता है कोऑर्डिनेशन बॉक्सिंग में, हाथ पैर साथ में चलने चाहिए, ऐसा नहीं है पंचुआ मारने जा रहा है पैर यहाँ पे हैं, अभी तो तुमने शैडो भी नहीं आई होगी सर, आगे यो तेज है करके दिखा दे, शैडो भी दिखा दे। सही करा भाई, और फोकस करा करो, और लड़कियां थोड़ा ज्यादा कंपटीशन है भाई, रेस्ट भी लिया करो, डाइट भी लिया करो अच्छी, स्मार्ट ट्रेनिंग करा करो, ठीक है। ये भी नहीं हमने बगत दिए बनता है घोड़े बना करो, तो थोड़ा थोड़ा लेकिन बढ़िया दौड़ो उस चीज़ में, इंटरेस्ट लेकर करें, मतलब न्यू न्यू है ना ठीक करें, फिर भी न्यू न्यू करके ला गया रहा उसका कोई फायदा को नहीं, जितनी एक बार करें बढ़िया करो उस चीज़ में, उस चीज़ में इम्प्रूव होगा हमारा, ठीक है। और था बताओ क्या मैं Anything you want to ask, you ask. Any query is there? Himanshu, Dipanshu, Daksh. Yes. Got such a great place, such a great teachers, such a great environment. देखो यार इतनी इतनी अच्छी, कितनी बढ़िया हवा है. This is the perfect place for the sports, for the games, everything you are having. Such a I have seen first time in Sonipat district if any school is having synthetic basketball court. But you are having. Have you seen anywhere? You people are also going visiting different schools. Have you seen anywhere? No, sir. Everything is provided to you. Everything. All is set up. But where we people are lacking, we are not lacking there also. But where mostly people lack is the psychology. Psychology is the single thing. Mansikta hi wo cheez hai. Jahan pe ek khiladi dusre khiladi se piche reh jata hai. Skills. लेफ्ट मारना राइट मारना सभी को आता है ना, ऑल द कोचिज आर क्वालिफाइड एवरीवेयर, सब कुछ है, सबको स्किल पता है, टेक्निक पता है, शेड्यूल पता है, ये चीज़ें आप किसी से छुपी नहीं रही है, बहुत कुछ डेवलप कर लिया है स्पोर्ट्स के। बट क्या है, व्हाट मेक द डिफरेंस इज द साइकोलॉजी, एक बच्चे की साइकोलॉजी जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है
और जो बच्चा नीचे रह जाते हैं, जो बच्चे कम मेहनत करते हैं, उनमें सिर्फ एक ही फर्क रहता है, डेट इज साइकोलॉजी, सोच का, मानसिकता का। दूसरा संगत का, कि आपका साथ किस तरह से, किस तरह के लोगों के बीच में आप हैं, जो आपको अच्छा बताएं, जो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनके साथ आप रहें। जो आपको ट्रेनिंग, कुछ दोस्त ऐसे भी मिलेंगे, नहीं आज तो किसी का बर्थडे है, आज ट्रेनिंग छोड़ के वहाँ चलते हैं, है ना। खिलाड़ी को मैं एक ही चीज़ बताता हूँ मन के बारे में, मन जो है ना, मन को समझो, क्या समझोगे मन को, बैल, और तुम्हारी आत्मा है किसान। जिस तरह से किसान किसी बैल को खेत के अंदर खूब काम लेता है, वैसे ना अपने शरीर को बैल समझो। आप जब ट्रेनिंग सेंटर पे आ गए ना, तो शरीर को खूब रगड़ना, फिर वही किसान उसको क्या करता है, जब घर पे लेके जाता है, उसको अच्छे से नहलाएगा, उसको अच्छे से चारा डालेगा। यही काम एक खिलाड़ी का है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, बैलेंस डाइट लो, अच्छा खाना खाओ। योर 70% परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द डाइट, बट द डाइट प्रोग्राम यू आर फॉलोइंग, ठीक है। परफॉर्मेंस का जो भी है, सारा का सारा डाइट पे निर्भर करता है ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, ठीक है ना। अगर डोइ कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग कर लो, अगर आपका टाइट स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो परफॉर्मेंस आपकी बहुत लो रहेगी। तो जिस तरह से किसान उसी बैल की सेवा भी करता है, और उसी बैल को खेत में ले जाके खूब रगड़ता भी है, है ना, उससे हल भी चलवाता है ना, उसके साथ ज़बरदस्ती भी करता है, तो इसी तरह से खिलाड़ी को अपने साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। भगवान ने इस शरीर को दिया है काम में लाने के लिए, काम में लाने के लिए, इससे जितना हो सके उस काम में ले, फिर इसकी सेवा भी करनी है घर जाने के बाद, दोनों ही काम करने हैं, इसकी सेवा करना मत भूल जाना, ठीक है, नहीं तो इसके अंदर स्टिफनेस आ जाएगी, अकड़ आ जाएगी, इंजरीज डेवलप होने लग जाएंगी, ठीक है ना। तो अपनी अंतर आत्मा को जो है किसान जो बना लेगा अपनी अंतर आत्मा को, जिसका किसान के जैसा मन है, किसान से पवित्र कुछ भी नहीं मानता मैं इस तरह, जिसका किसान के जैसा मन है ना, वो हमेशा आसमान को छूता है, ठीक है। हाँ, समथिंग यू वांट टू आस्क, ट्रेनिंग तो सब करें, करते ना सब, लेकिन जो कंफर्टेबल जो है ना, अगर ना भाई मैंने इतना दौड़ना है, इस तक दबा दूँ तो मेरे थकान हो जाए, सांस फूलने लग जाए, हो गया ना, ना वो मैं इतनी से पेस में दौड़ती रहूँ, अगर आप उस पेस से ऊपर नहीं बढ़ाए ना, तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होता, होता है कभी। जो एक कंफर्टेबल जोन होता है ना, उसे बाहर निकलना सबसे मेन होता है। रिंग में फाइट करे जाओ, करे जाओगे, और जो कुछ जी जान पे इसमें लड़ेगा ना, तो तीनों हो जाए ना भाई, यह भी लास्ट है, यो भी लास्ट राउंड है, यो भी लास्ट राउंड है, तब जाके नाद में जीत गया। न्यू नहीं भाई, एक राउंड अड़का कर लूँगी, अगले में अच्छा कर लूँगी, फिर उसका अगले लास्ट राउंड उसमें जोर लगा के, दो राउंड तो हारिए, तीसरे जोर लगाएगा, क्या फायदा होगा, होगा कुछ फायदा। अभी तुम बच्चे हो, जब कुछ टाइम बाद जीतोगे हारोगे, कभी जीतोगे कभी हारोगे, और हार से बहुत सीखोगे, जीते पीते तो सब कह देंगे शाबाश बहुत अच्छा खेला, शाबाश बहुत अच्छा खेला, होता ना सिर्फ। और जब तुम हार जाओगे ना, हारने के बाद तुम्हारे में सारी कमी हो जाएगी, हो जाती है ऐसे बोलेंगे, तू घूमता रहता है, रेस्ट नहीं करता, ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं है, मतलब सारी बात तुम्हें नहीं मिलेगा, हारे पीछे मिलेंगी, जीतने के बाद कोई नहीं गिरा देता, जीत जाओगे, हार भी रहे होगे ना, तब भी जीत जाओगे, तब भी क्या कहेंगे, तेरे साथ कोई भी नहीं खेला, आगे खेलोगे ना जब, ये सारी बात सुनने मिल रही था। लेकिन इन सब बातें इग्नोर करते ना, आगे बढ़ते रहोगे तो अच्छी बात रहेगी। मान लो हार गए, कोई बात ना, हार जीत गेम का हिस्सा, मैं खेलूँ तो मैं हारूंगी, ये जो खेलता है जो हारेगा कितना है, और वो कितने जीतेगा, वही बड़े बड़े कई सवार होगा गिरा देगी, ऐसा होता ना। तो यही है भाई, खेलोगे तो हारोगे गए, और हारोगे तो जीतोगे, ये जिंदगी है, कदे हार जाओ कदे जीत जाओ, लेकिन आरे पीछे जब कोई नहीं हो ना, ना तो कुछ नहीं कर सकता, ना तो बन सकता, उस चीज़ ने इग्नोर करो, उस चीज़ ने दिल पे नहीं ले रहे, ठीक है।
मेरा दूसरा दिन किया था ये, मैं तुम्हारे सामने ऐसे बोलती रहूँ, मैं तो बोली मेरे बस का ही बोली, मेरे बस का ही बोली ऊपर ले मन था तू, मैं अर की तरह मेरा क्या है पूरी बचा फिर बताओ, ऐसे होता ना ऐसे होता है। कुछ भी कहते हो ना फिर एक बार मन मत नहीं हाँ या जो जितनी प्रैक्टिस करेगा ना प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तीन राउंड अगर सेट होगी ना इतनी फास्ट कर दे उसने पांच राउंड कर दे मान ले तो रिंग में तीन राउंड करने पड़े हैं क्या सोचोगे शेडो में तो मैं इतनी पंच निकाल दूंगा ये पांच राउंड में या तो तीन राउंड है मेरी तो गंद पाऊंगी, अपना आत्मविश्वास जिसमें होगा ना वो कदे भी मार नहीं खाओगे, अपने तो ज्यादा अपने आप ने कोई नहीं जान सकता, कौन सिर्फ मोटिवेट कर सके ना दो बात बता के चला जाऊंगा, लेकिन करना आपा नहीं है अपना दिल समझाना किसी तरह समझा दो, एक बैठ के नहीं सुन रहा कोच ने तो कहती मेरा ना होगा कि ना लेकिन हाँ कोच ने कहता वा बढ़िया बढ़िया की है कोच ने करके दिखाऊंगी इतनी बार एक मन में यह चीज आओ ठीक है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना अपनी वो है अगर बस में और वो जब बढ़ेगा जब हम उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो सोचने से कुछ नहीं होता करने से आती है वह चीज़ बता अगर मैं भी चले जाऊँ लेफ्ट मार दे राइट मार दे गोडी मार दे साइड स्टेप लिख जाऊँ जब थोड़ा वह चीज़ देख करिए नहीं तब कर कैसे दोगे उस चीज़ में भी कर दोगे कि मैं कह दूंगी एक किलो चिकन खाना भाई तुमने तो हाथ से नहीं लाया बंदे तेरे देखे इन डॉक्टर से खा लेगा नहीं खा सकता ना, पहले थोड़ा फिर गणा फिर गणा फिर गणा डेली हैबिट होगी जब होगी वह चीज़ ठीक है, अपने टाइम का अवश्य प्रैक्टिस पे अच्छे से तैयार हो गए ना सुबह भी शाम ने भी कोच की भी अच्छी रिस्पेक्ट करोगे भाई जब मैं कोच मिल रहेगा तब ना टाइम से आना थोड़े वही तरीके से आगे कोच बिकेगा मन मन मंगा देगा भाई देखेगी वो कि मन दे कोई नहीं कोच है वह है ना, तो सिस्टम भी सबसे जरूरी होता है भाई अनुशासन सबसे मेन ठीक है, टाइम से आना टाइम से जाना जाकर अपने कपड़े चेंज करें नहा धो कुछ रेस्ट करें डाइट ले प्रैक्टिस तो 40-50% हो जाती है ठीक है, रेस्ट और डाइट होती है मैं प्रैक्टिस करके दो घंटे पूरा दिन डक 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 उधर कभी उसके वहाँ कभी वहाँ कदे वहाँ उस प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं, फायदा है ऊपर तक बुखार और हो जाएगा तुम्हारा हांड हांड के थकान भी जाएगा, अच्छी प्रैक्टिस करो अच्छा डाइट लो और अच्छा रेस्ट करो सारी चीज़ साथ मिला के चलोगे ना तब इम्प्रूवमेंट होता है, हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक चीज़ का त्याग करना पड़ता है कोई चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा अगर होता है ना से सुबह प्रैक्टिस करना फिर नींद छोड़नी पड़े जो कि बहुत पैरी लग रहा है डेली नू सो उठे गए उठते आज के मैं चीज़ करूँ सर दौरा ऊपर पेंडा चटवाऊँ वो है कहना कई बार तो इतनी कसूती नींद आओ भाई ये सब की लाइफ में होता है, कोई कितना बड़ा प्लेयर बन गया हो सबकी अपनी कहानी लग रहा है, जो कामयाब हो जाएगा वो अपने बता देगा जो कामयाब नहीं होगा उसने कहेगा यू कब देगा ये भाई बात था उसमें कभी काट देंगे और जो कामयाब हो जाएगा ये घर में भी माने वो जो लाग देना होगा भाई कब देता है स्टार्टिंग से ही मेहनत है ये घर वाले बोलते हैं ना अरे एक बंदा इतनी प्रैक्टिस करे जाएगा वो कामयाब नहीं होते कहेंगे इसने कुछ नहीं करना था ये शुरू से ही दिखे ऐसा ऐसा होता ना, प्रैक्टिस करा करो भाई अपने बड़े की मान्य तो और प्रैक्टिस का मिलेगा जरूर भाई बॉक्सिंग में नहीं पढ़ाई मिल जाएगा पढ़ाई में असल में तो गेम में मिल जाएगा जो थोड़ी शिद्दत है कोई चीज़ मांगी जाए तो मिल जाएगा ना, ऐसे ही गेम है ऐसे ही पढ़ाई है हर चीज़ अगर कोई शिद्दत चाहिए जाए तो वह मिल जाएगा, और हम बताओ कुछ कोई परेशानी हो तुम्हारा कोच के मैं डांट भी मार देता हो डंडे भी मारेगा भाई कोच से बिना गलती भी खाने पड़ जा कई बार गलती पर तो पड़ते वो गेम वाली बात है फाइट में भी
पिटेगा हरण वाला भी और पिटेगा जीतने वाला भी। जीतने वाला और ज्यादा पिटेगा, हरण वाला तो एक फाइटर हर गया वो तला उतर जा, वो जो जीते उसने अगली फाइट में फिर पिटना, फिर जीते अगली फाइट में फिर पिटना, फिर जीतेगा। जीतने वाला ज्यादा पिटेगा, छह फाइट छह पिटे तो बराबर है, थोड़ा ही फर्क रहा है 19-20 का, कोई कितना ही बढ़िया प्लेयर होते पिटेंगे दोनों, पर जो लास्ट पे जीत आ रही है थोड़ा दिमाग पे खेल जाएगा वो जीत जाएगा, अगली फिर पिटती लहर जाएगा। बहुत बढ़िया, इन्होंने जो भी बताया उसको देखो स्पोर्ट्स की लैंग्वेज इन्होंने बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आप लोगों को बताया, ठीक है। जो साधारण जुबान में जो ताकत है वो किसी में नहीं है, क्योंकि साधारण भाषा बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ जाती है। उसको कहेंगे स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इन्होंने बताया कि भी रेगुलर रहो, वो क्या है, खेल के नियम है, खेल के सिद्धांत है, ये बॉक्सिंग खेल के जो ना सिद्धांत है इसको कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, लगातार आओ। बीच में अगर आप ब्रेक करते हो तो आपके मसल्स मेमोरी में भी डिफरेंस आता है, ठीक है। बॉक्सिंग के अंदर मसल मेमोरी सबसे ज़्यादा काम में आती है, ठीक है। आपकी जो अलाइनमेंट है, बॉडी की अलाइनमेंट है, पंचिस की अलाइनमेंट है, जो एक्यूरेसी है उसके अंदर फर्क आ जाता है, ठीक है। एक बार खेल में ऐसा भी होता है कि बहुत से खिलाड़ी बीच में गैप करते हैं, रेस्ट लेते हैं, आज छुट्टी कर लेते हैं, आज मेरे कंधे में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, उनके साथ कमी कहाँ आ जाती है कि वो लगातार जब रेगुलर नहीं आते तो उनके पंचिस में, उनके फुटवर्क में दिक्कत आ जाती है, फिर वो उसी तरह से आदी हो जाते हैं। आदी किस तरह से होते हैं, क्योंकि उनकी मसल मेमोरी इस तरह से डेवलप हो जाती है, क्योंकि बॉक्सिंग जो सारा खेल है वो एक्शन रिएक्शन का खेल है, उनकी बॉडी मूवमेंट में, हेड मूवमेंट में कमी आ जाती है, इसीलिए बॉक्सिंग के खेल में जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा इन्होंने बताया कि अपने लिमिट्स को पुश करो, लिमिट्स को पुश करने का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, ठीक है। जब भी आपको एक कदम से, जब भी आपको आपको एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाना पड़ता है, ठीक है, इसमें तीन स्टेजेस आती हैं आपकी, सबसे पहले बेसिक है, फिर मीडियम है, फिर एडवांस लेवल है, ठीक है। जब भी आपको एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाना पड़ता है, चाहे वो स्ट्रेंथ कंडीशनिंग की बात हो, चाहे वो मसल पावर को बढ़ाने की बात हो, चाहे वो आपकी टेक्निक्स को डेवलप करने की बात है, आपके रिएक्शन को डेवलप करने की बात है, वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लोड का इस्तेमाल करते हैं कोचेस, यानी कि थोड़ा सा दबाव और बढ़ा देंगे। अगर साधारण भाषा में इसको मैं कहूँ कि अगर आपकी क्षमता आज 12 किलो वजन उठाने की एक हाथ से, तो आप क्या करेंगे 12 किलो 100 ग्राम उसके अंदर 50 ग्राम 100 ग्राम और ऐड कर देंगे, ठीक है। वो है अपने लिमिट्स को पुश करना कंटिन्यूसली। आपका क्या काम है खिलाड़ी होने के नाते, कितना करना है डेट कोच विल टेल, पर आपका खिलाड़ी होने के नाते क्या फर्ज है कि आप अपने आप को खुद आगे पुश करने के लिए मन से तट पर रहें, ठीक है। लेकिन आपका सबसे पहला जो काम है समय पे आना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बॉक्सिंग खेल जो है उसका दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है अपने कोच को सुनना, क्योंकि देखिए मैंने बॉक्सिंग से ज़्यादा डिसिप्लिन खेल मैंने आज तक कभी देखा नहीं, कि दो बॉक्सर रिंग के अंदर लड़ रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू द वॉर, जंग हो रही है, कई बार ऐसी भी बहुत सी फाइट्स होती हैं, ठीक है ना, तो एकदम आपको लगेगा तो पूरी जंग है, ये कोई बॉक्सिंग मैच नहीं है, ठीक है। तो बॉक्सिंग इज नॉट जस्ट अ गेम, इट इज समथिंग अबाउट फ्रॉम दैट, बट वट द क्वालिटी ऑफ दोज पीपल, दे आर हिटिंग पुशिंग एवरीथिंग, दे आर गोइंग थ्रू द वॉर, बट वंस दे रिसीव द कमांड फ्रॉम द रेफरी स्टॉप, दे विल इमीडिएटली स्टॉप। दिस इज द डिसिप्लिन, क्योंकि उनको पता है उनका खुद का कुछ नहीं, वट दे आर डूइंग, दे आर शोइंग देयर स्किल्स, ठीक है। तो डिसिप्लिन यानी कि कोच की कमांड को सुनना सबसे महत्वपूर्ण है, और समय पे आना, समय पे जाना, उनकी बातों को मानना। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मीनाक्षी हुड्डा, प्लीज कम हियर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम। शी इज वेरी शाय, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, ये छोटी बहन है हमारी, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बहुत ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई हम आने वाले समय में ओलंपिक्स में इनको देखेंगे। कैन यू रिकॉग्नाइज हर, वेर वेर इज शी हेयर इन योर रिंग एरिना, कैन यू रिकॉग्नाइज हर, वेर इज द फोटो, यू कैन रिकॉग्नाइज इट, शी स्टैंडिंग विद लवलीना एंड प्रवीण हुड्डा, है ना। तभी तो यही मेरी भगवान से कामना है, और इस सपने को सबसे आज सबसे अच्छा लग रहा है कि जो ये पौधा मैंने लगाया था, इस सपने को मैं आज साकार होते हुए देख रहा हूँ, यहाँ
भले ही छोटा सा कॉम्पिटिशन हमने ऑर्गेनाइज किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, आने वाले समय में यहाँ बड़े बड़े कॉम्पिटिशन भी होंगे, मेरा ये वायदा है आप लोगों से। और जिस तरह से बच्चे यहाँ जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मेरे लिए एक सपने के जैसा है, सपने के साकार होने के जैसा है। मीनाक्षी, अपनी छोटी बहन से गुजारिश है, एक बारी तरह के इनको बता दे बेटा थोड़ा अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। क्लैपिंग क्लैपिंग।